आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हे गाइस, आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 1 जो कि है द कोल्ड वॉर एरा। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुआ था? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था 1962 में। तो हमें सबसे पहली बात तो हमें उसका जो ईयर है उस चीज़ को याद रखना है कि जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है वो 1962 में हुआ था। इसको तीन और नामों से जाना जाता है। सो सबसे पहला, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इज़ ऑल्सो नोन एज द अक्टूबर क्राइसिस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द करेबियन क्राइसिस एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मिसाइल क्राइसिस। तो ये जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था, इट वॉज अ 13-day कॉन्फ्रंटेशन। किसके बीच में थी ये कॉन्फ्रंटेशन? US के बीच में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच में। और ये 13 डेज कब से कब तक थे? अक्टूबर 16 to 28, 1962। अब क्यूबा जो है, क्यूबा एक स्मॉल आइलैंड नेशन है ऑफ द कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो क्यूबा क्या था? क्यूबा एक एलाय था किसका? सोवियत यूनियन का। तो क्यूबा सोवियत यूनियन का एलाय था और इस वजह से क्यूबा जो है वो डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल एड वहाँ से रिसीव करता था। अब ये जो टेंशन्स हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की, ये 1961 में डेवलप होनी शुरू हुई। तो अप्रैल 1961 में ये जो टेंशन्स हैं ये डेवलप होनी शुरू हुई। तो जो लीडर्स थे USSR के, इनको क्या हुआ? इनको हुई, दे वर रियली वरिड, क्योंकि इन्हें ऐसा लगा कि जो USA है, ये जो क्यूबा है उसको इन्वेड कर लेगा एंड दे वुड ओवरथ्रो फिडेल कैस्ट्रो जो कि उस टाइम पे क्यूबा के प्रेसिडेंट थे। तो ये USSR के लीडर्स को टेंशन होने लग गई। अब जो निकिता खुरुश्चेव हैं, जो उस टाइम पे लीडर थे सोवियत यूनियन के, इन्होंने सोचा कि क्यूबा को ये एक रशियन बेस में कन्वर्ट करेंगे और इसी वजह से इन्होंने 1962 के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल्स प्लेस करे। कहाँ पे? क्यूबा में। तो निकिता खुरुश्चेव, जो कि सोवियत यूनियन के लीडर थे, इन्होंने क्यूबा को कन्वर्ट करने के चक्कर में न्यूक्लियर मिसाइल्स को प्लेस करा क्यूबा में इन 1962, और इसलिए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का ईयर जो माना जाता है वो है 1962। सो आफ्टर 3 वीक्स अमेरिकन्स को पता चल गया कि उन्होंने वहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल्स को प्लेस करा है, और जो जॉन एफ कैनेडी, जो कि उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे कहाँ के? US के, उन्होंने और उनके जो एडवाइज़र्स थे, उन्होंने उनका ये बहुत ही फर्म डिसीजन था कि वहाँ से, क्यूबा से उनको मिसाइल्स को तो रिमूव करना है, बट दे वर रिलक्टेंट, यानी कि वो नहीं तैयार थे कि दे वुड डू एनीथिंग दैट माइट लीड टू अ फुल स्केल वॉर बिटवीन लाइक द टू पावर्स। बट इन्होंने ये सोचा था कि एक फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर तो नहीं करेंगे, बट दे वर डिटर्मिंड टू गेट खुरुश्चेव टू रिमूव द मिसाइल्स एंड द न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम क्यूबा। तो ये वहाँ से वेपन्स को तो हटवाना चाहते थे, बट ये एक फुल स्केल वॉर को इनिशिएट नहीं करना चाहते थे, बिकॉज एक फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर के डेंजर्स सबको पता ही होते हैं। एंड इन ऑर्डर टू शो हिज सीरियसनेस, तो जॉन एफ कैनेडी ने क्या करा? उन्होंने अमेरिकन वॉरशिप्स को ऑर्डर करा टू स्टॉप एनी सोवियत शिप्स दैट वर हेडिंग टू क्यूबा। तो कोई भी सोवियत शिप्स जो क्यूबा की तरफ आ रही हों, इन्होंने अमेरिकन वॉरशिप्स को ऑर्डर करा कि उनको रोकना है। सो द होल वर्ल्ड फियर्ड द कॉन्सिक्वेंसेज, बिकॉज पूरे वर्ल्ड को ऐसा लगा कि ये कहीं जो एक पॉइंट है, इससे कहीं एक न्यूक्लियर वॉर ना इनिशिएट हो जाए। तो ये उस कॉन्सिक्वेंस को पूरा वर्ल्ड फियर कर रहा था, बट बोथ ऑफ द साइड्स दे अवॉइडेड एनी वॉर एंड एज अ रिजल्ट द सोवियत शिप्स स्लोड डाउन
एंड दे टर्न बैक, मतलब दे वेंट बैक. ओके, सो बोथ ऑफ द साइड्स डिसाइडेड टू अवॉइड वॉर. सो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को एक हाई पॉइंट माना जाता है, किस चीज़ का? कोल्ड वॉर का. और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का जो रिजल्ट था वो ये था कि सबसे पहली बात तो ये थी कि सोवियत यूनियन की जो न्यूक्लियर मिसाइल्स थी उनको क्यूबा से हटा दिया गया था. तो रिमूवल ऑफ द सोवियत यूनियंस न्यूक्लियर मिसाइल्स फ्रॉम क्यूबा. उसके बाद जो अमेरिकन न्यूक्लियर मिसाइल्स थी कहाँ पे? फ्रॉम टर्की एंड इटली, उनको भी वहाँ से हटा लिया गया था. तो ये दूसरा कॉन्सिक्वेंस था या फिर रिजल्ट था कि अमेरिकन न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी हटा दिया गया था टर्की और इटली से. एक एग्रीमेंट हुआ था विद द सोवियत यूनियन, यूएस और सोवियत यूनियन का फिर से एग्रीमेंट हुआ था कि दे वुड नॉट इन्वेड क्यूबा विदाउट डायरेक्ट प्रोवोकेशन, कि विदाउट एनी डायरेक्ट प्रोवोकेशन यूएस क्यूबा को इन्वेड नहीं करेगा. और जो एक और कॉन्सिक्वेंस या फिर रिजल्ट कह लीजिए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का, वो ये था कि एक न्यूक्लियर हॉटलाइन का क्रिएशन हुआ था बिटवीन द यूएस एंड द सोवियत यूनियन. तो एक हॉटलाइन को डिज़ाइन करा गया था टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द सोवियत प्रीमियर. तो ये एक न्यूक्लियर हॉटलाइन को क्रिएट करा गया था. तो गाइस, ये था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस और उसके रिजल्ट्स. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर.